वैसे देखो रोलेक्स सर के मार्शल स्पीकर के बारे में तो हम सभी को बताया, और मतलब मैं भी कह रहा यार पर्सनली इस अपने मार्शल को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए यही एंजॉयमेंट पूरी पोर्टेबिलिटी के साथ में, उसके लिए क्या करोगे? बिकॉज ये स्पीकर तो है, आप एक जगह पे रखोगे, पावर सप्लाई लगाओगे और तब इसका मजा उठाओगे, लेकिन उसी के लिए मार्शल लेके आ गया है ये कॉम्पैक्ट सा छोटा सा पोर्टेबल स्पीकर है, लेकिन हमको मिलता है पूरा मजा मार्शल की साउंड का ऑन द गो इसी ब्रांड न्यू मार्शल मिडिलटन के साथ में। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए मैं करता हूँ इसी को अनबॉक्स और पता लगाते हैं कि आखिर इस पर्टिकुलर स्पीकर में मार्शल ने क्या अपना जादू ऐड किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करूँ ना, इसको मैं अनबॉक्स करूँ, ये है फिलहाल मिडिलटन। उससे पहले ना एक बार अगर मैं याद भी करता हूँ तो मार्शल के स्पीकर्स के जो नाम होते हैं ना भाई, वो एक अलग ही लेवल पे होते हैं। मतलब एक्टन, स्टैनमोर, ये वुबर्न है, टफ्टन भी आता है, एम्बरटन भी आता है, ये मिडिलटन भी हो गया है। मतलब ये लगता है कि हाँ भाई, एक ना ऐसे लंबी फैमिली से बन रही है यहाँ पे, आपस में रिलेटिव्स एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे खैर अगर दोस्तों बात करें इस पर्टिकुलर बॉक्स की, तो टिपिकल मार्शल स्टाइलिंग में आता है और आपको लगता है कि हाँ भाई काफ़ी एक प्रीमियम यू नो पैकेट को ओपन कर रहे हो। हमारे पास में सबसे पहले ही जो बड़ा लिखा हुआ है एस्टैब्लिश्ड 1962, इट टेल्स कि भैया क्या लेगेसी है मार्शल की। और नो एक ऑडियो अलग ही सिग्नेचर साउंड हमको मिलती है टिपिकल यू नो मार्शल की। हमारे पास में रखा है सबसे पहले ये, इट्स एग्जैक्टली लाइक यू नो अ ब्रिक। अगर हम बात करते हैं डायमेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज द ब्रांड न्यू मिडिलटन। साथ में है हमारे पास में फिर ये कुछ यूजर गाइड्स इफ यू वांट टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द स्पीकर। देन मसाला है, खाना नहीं है, फेंक देना। और इसके अलावा हमारे पास में है फिर ये एक सिंपल केबल, बट नहीं यार ये सिंपल केबल नहीं है, यहाँ पे भी साइड में आपको मार्शल की ब्रांडिंग मिलती है। इसके अलावा फिर हमारे पास में फाइनल जो कॉन्टेंट है वो है, दिस इज रबर स्ट्रैप देन यू अटैच टू कैरी द स्पीकर। यार अगर हम तो बात करते हैं यहाँ पे स्पीकर की, और अगर हम इसको देखें, ओके लुक एट दिस यार, मतलब देखते ही लगता है कि भाई एक तगड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट आपने पकड़ा है। मतलब जो इन हैंड फील है ना इसकी, 1.8 किलोग्राम्स का इसका वेट है। फिलहाल हमारे पास में तो ये ब्रास और ब्लैक कलर में आ रहा है, जो कि काफी मतलब यू नो एक इंटरेस्टिंग रिच लुक देता है। वैसे अगर आपको थोड़ी दूसरी टोन्स पसंद है क्रीम कलर में, तो ऐसे क्रीम कलर के अंदर भी आपको ये मिडिलटन मिल जाएगा। आप इसको ध्यान से देखो और फिर हम बात करते हैं इसी स्पीकर के बारे में और डिटेल्स चेक करते हुए। गाइस देखो, हमने इसको भाई सेटअप किया, पेयरिंग वगैरह काफी आसान थी ना, मार्शल ऐप को भी यूज कर सकते हैं बड़े आराम से कंट्रोल। लेकिन सबसे पहली बात दैट आई वुड से इज इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, मतलब भाई कितना ज्यादा रिच यू नो आपको ये स्पीकर लगता है ना, एक अलग ही प्रीमियमनेस है इसके पूरे डिजाइन में, और काफी सिंपल अप्रोच भी है, मतलब यू नो टिपिकल मार्शल स्टाइलिंग आई वुड से। और एक और अच्छी बात यह है कि जो स्पीकर है ये आता है IP67 रेटिंग के साथ में, तो इंडोर्स, आउटडोर्स, पूल पार्टीज, ऑन द गो, मतलब यू नो एनवायरमेंट में जा रहे हो आप अंदर भैया जंगलों में ट्रैकिंग के लिए, तो मतलब वैसी सभी हार्श सिचुएशंस में यू कैन एंजॉय द बेस्ट म्यूजिक ऑन द गो विद दिस स्पीकर, तो एक अच्छी बात है। और इनफैक्ट जो ये पूरे यू नो मटेरियल्स को काम में लिया है ना इसे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं भाई, जहां पे सस्टेनेबिलिटी को पूरा ध्यान में रखा गया है। हमारे पास में है 100% PVC फ्री यू नो मटेरियल्स, और ये आते हैं 55% रिसाइकल्ड प्लास्टिक के साथ में, विच इज अगेन वेरी गुड थिंग। अगर आपको बताऊं एक फिजिकल और व्यू यू नो कैसा है स्पीकर का, तो सामने अगेन वी हैव दिस यू नो मैसिव ग्रिल, मार्शल का ये लोगो है, और भाई ये जो आई मीन इसका एक अलग ही फील मिल जाता है। साइड में दाएं और बाएं हमारे पास में अगेन यू नो ओपनिंग्स हैं, बिकॉज जो साउंड एक्सपीरियंस है एकदम ऐसा रूम फिलिंग है ना कि आपको एकदम पूरा सराउंड वाला एक्सपीरियंस मिलता है। पीछे अगेन वी हैव दिस मैसिव ग्रिल, नीचे हमारे पास में यहाँ पे दो बेसिक कनेक्टर पोर्ट्स हैं, एक है USB-C पोर्ट, और USB-C जो है वो इन और आउट दोनों के लिए काम में आता है। मतलब आप ऑन द गो इस स्पीकर को एज अ पावर बैंक यूज करते हुए इससे अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो अगर बैटरी कम है तो। और फिर हमारे पास में एक ऑक्स पोर्ट
लेकिन मोबाइल फोन में आजकल जैक आता कहाँ पे। अगर हम बात करते हैं खैर यहाँ पे टॉप की, तो यहाँ पे डिजाइन काफी इंट्यूटिव है, जहाँ पे हमारे पास में बीच में ये एक मल्टी डायरेक्शनल नॉब है, मतलब इट्स लाइक अ जॉयस्टिक कि आप इसमें प्ले, पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम अप डाउन सारा काम एक ही नॉब से कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में फिर यहाँ पे बेस और ट्रेबल के लिए कंट्रोल्स हैं, और वॉल्यूम के लिए तो बीच में आपको इस नॉब के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे वी हैव दिस काइंड ऑफ यू नो इंडिकेटर थिंग, तो जहाँ पे आपको हर एक कंट्रोल, फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी ट्रेबल कम ज्यादा कर रहा हूँ तो यू कैन सी दिस, मैं अगर बेस एडजस्ट कर रहा हूँ तो यू कैन सी दिस, मैं अगर वॉल्यूम एडजस्ट कर रहा हूँ तो यू कैन सी दिस, अगर मैं बैटरी चेक करूंगा तो यू कैन सी द बैटरी लेवल। तो बेसिकली ये जो इंडिकेटर LEDs हैं ये आपको सारा इंडिकेशन दे देंगी। देन वी हैव ऑफ कोर्स एक ब्लूटूथ के लिए बटन, यू नो, फॉर पेयरिंग एंड स्टफ, और साइड में दिस इज स्ट्रैप विच इज वेरी हाई क्वालिटी, तो ऑन द गो अगर आपको इसको रखना है या यू नो वट एवर टू कैरी एंड स्टफ तो यू कैन यूज दिस स्ट्रैप। हमारे पास में यहाँ पे एक क्वाड स्पीकर सेटअप है, और ये आता है 2-3 इंच के 15 वॉट्स वाले वूफर्स के साथ में, साथ में है 2 3x5 इंच के 10 वॉट्स वाले ट्वीटर्स, इसके अलावा 2 पैसिव रेडिएटर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बोलूंगा तो पूरा का पूरा मतलब यू नो एक सराउंड एक्सपीरियंस मिलता है। एंड यार देखो मैं बोल बहुत रहा हूं कि लिसन फॉर योरसेल्फ कि आखिर कैसा है ऑडियो एक्सपीरियंस इस मिडलटन का। छोटा पैकेट है भाई लेकिन धमाका डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा मिल रहा है। We are enjoying the sound. एक बार मैं प्ले करता हूं। भाई मतलब डेफिनेटली एक अलग लेवल का एंजॉयमेंट है। और उसके अलावा अगर आपसे बात करता हूं यहाँ पे एंजॉयमेंट की ना, तो विद द मार्शल ऐप यू कैन अगेन यू नो कंट्रोल इट नाइसली। आपके पास पे एक और इसमें एडवांटेज है विच इज कि यू कैन स्टैक मल्टीपल ऑफ दीज यू नो मिडलटन। अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो आप ऐसा स्टैक बना के और धूम धड़ाका अच्छे से कर सकते हैं। मतलब अगर आपके दोस्तों के पास में भी है, आपके मिलते हैं जगह पे, तो मतलब मल्टीपल स्पीकर्स पेयर्ड टुगेदर वो और अच्छा आपको यू नो एक अलग लेवल का मजा दे देंगे। इसके अलावा फिर अगर से बात करता हूं तो यहां पे ब्लूटूथ वर्जन है वो है 5.1 SBC कोडेक को सपोर्ट करता है। 10 मीटर की रेंज है विद इज टिपिकल फॉर एनी ब्लूटूथ स्पीकर। अगर मैं बात करता हूं बैटरी लाइफ की तो यहां पे भी इट्स इंप्रेसिव बिकॉज़ काफी छोटा और वैसे तो खैर पोर्टेबल कॉम्पैक्ट स्पीकर है, बट देन अगेन 20 प्लस आवर्स का हमको प्लेबैक मिल जाता है। चार्जिंग टाइम इज 4.5 आवर्स, और अगर आप बात करें क्विक चार्जिंग की तो आप अगर इसको चार्ज करते हैं केवल 20 मिनट्स तो आपको मिल जाता है 2 घंटे का प्लेबैक, व्हिच इज गुड। अब बात करते हैं फाइनल थिंग विच इज द प्राइस। तो यार देखो यू नो मार्शल इज वेरी प्रीमियम, आई मीन राइट अप हियर, और अगेन दिस स्पीकर इज नो एक्सेप्शन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, लुक्स, साउंड क्वालिटी, द कंप्लीट एक्सपीरियंस। ये डेफिनेटली काफी एक प्रीमियमनेस लेके आता ही है, और जो प्राइस है इसकी वो है 31,999 रुपीज। तो इफ यू रियली यू नो लाइक म्यूजिक, अगर आपको पता है कि भाई आपको कैसा म्यूजिक पसंद है, इफ यू लाइक मार्शल, आई थिंक दिस स्पीकर फॉर ऑन द गो फन इज अ मस्ट हैव। मतलब मैं तो इसको रखने वाला हूं अपने पास में कि जहां जा रहा हूं इसको लेके जाओ भैया, और कुछ कैरी करने की जरूरत ही नहीं है म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है या 31,999, और अगर आपको चेकआउट करना है तो ये marshallheadphones.com पे अवेलेबल है, यू नो एज विद ऑल अदर मार्शल प्रोडक्ट्स, सो यू कैन गो एंड ब्राउज। और वैसे रोलेक्स सर के फैन हो क्या? अगर हो तो मार्शल तो पसंद होगा ही। तो वीडियो पसंद आई होगी तो नीचे लाइक शेयर करते हुए मन की बात रखना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ सीधा अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।